कन्फेडरेशन फासर चैलेंजड संस्था वालों चलाए जा रहे स्पेशल बच्चों के विकास के केयर सेंटर स्कूल पिंड फतेहपुर राया विखे खुशियां वाला त्योहार दिवाली धूमधाम नाल मनाया, जिस दे मुख मेहमान वजो जिला समाजिक सुरक्षा अफसर श्री वरिंदर सिंह टिवाणा ने अपने संबोधन विच सीएफएससी संस्था की प्रशंसा करदिया आख्या कि संस्था के प्रबंधक अते स्टाफ मैंबर भी जिवें स्पेशल बच्चों की देखरेख करते हैं, पढ़ाई करवाते हैं, सब तो वध वधाई दे पात्र हैं, क्योंकि यह स्टाफ की मेहनत सदका स्पेशल बच्चे समाज विच लियाकत नाल विचरण दे योग हो जांदे हन। श्री ओम प्रकाश तांगली ने समूह समाज सेवी जथेबंदियां ते इलाका निवासियां नूं अपील कीती कि ओह वध तो वध संस्था दी तनो मनो तनो सेवा करन, क्योंकि इह सेवा भी रब्बी सेवा तो घट नहीं है। इस मौके ते डॉक्टर कमल खन्ना चेयरमैन सीईटी ओम प्रकाश गौतम गुरदेव सिंह भोला चंद परदेसी ट्रस्ट के संस्थापक चंद्र नागपाल मनमोहन जरगर आदि ने भी बच्चों वालों पेश सभ्याचारक प्रोग्राम की प्रशंसा करदिया कहा कि स्कूल स्टाफ इन्हां बच्चों परिवार से समाज विच रहन विचरण की सिखलाई दे के जो फर्ज निभाते हैं सलाघा दे पात्र हैं। श्री गुरदेव सिंह भोला ने पुत्रा होने की खुशी विच 10,000 रुपये स्कूल के बच्चों प्रबंधकों नूं सौंपे। वीर कौर स्कूल प्रिंसीपल ने स्पैशल बच्चों बारे जानकारी दिंदिया कहा कि समाज इन्हां बच्चों नूं प्यार सतिकार देवे तां बच्चों विच हीनता भावना कदे नहीं आ सकेगी। इस मौके ते बच्चों ने बहुत ही शानदार सभ्याचारक प्रोग्राम पेश कीता अते आए मेहमाना स्टाफ मैंबरां अते स्पैशल बच्चों ने एक कठियान रल के मठियाई खादी। आए मेहमाना ने बच्चों वालों दिवाली ते तैयार किए डूने अते दीव्यां दी खरीददारी भी की। अंत विच श्री मनमोहन जरगर ने आए मेहमाना स्टाफ मैंबरां स्पैशल बच्चों का दिवाली मौके धन्यवाद किया। इस मौके पर श्री जय कृष्ण कश्यप साबका DPRO अशोक कुमार टुलानी, राजीव कुमार वाल्मीकि, गुरदेव सिंह भोला साबका नगर कौंसल प्रधान, बलजीत सिंह, बलविंदर सिंह, मेवा सिंह बाबा जी, चंद्र नागपाल, गुरप्रीत सेखो, अमरिंदर सिंह सरपंच, जंग सिंह, हरप्रीत सिंह लाली प्रधान, शिव सेना, प्रमोद गौतम, हंसराज, मनप्रीत सिंह, मनप्रभजोत सिंह फिजियोथेरेपिस्ट, पवनदीप कौर कौंसलर, सतनाम सिंह स्पेशल एजुकेट, सुखविंदर कौर, जसवंत सिंह, बहादुर सिंह, गगनदीप कौर आदि हाजिर सन। दिवाली का फंक्शन से आए साल करते हैं, मैं पहली बार संपर्क बढ़िया जी, तो पहली बार इतने आया, इतने आके कई गलों का पता लगे जी चीज़ों की लड़ है तो असं पहल के आधार पर हल करा। बाकी जो होर भी नालिया की गल करिए भाजी उन्होंने नाले सफाई होना तो पहला वो भी करा देंगे। बाकी होर भी सानू मैसेज लाएंगे तो असं उदों ही सारे पंचमी सरपंच भी असं सारे CFC वो अज दिवाली त्यौहार पर एक फंक्शन किया गया। पहला तो मैं इस फंक्शन से इस संस्था के चेयरमैन जी देखिए बहुत बहुत मुबारकबाद और दूजी गल भी इस गल की बधाई देना कि जी ये संस्था चला रहे हैं जिस सेवा बच्चों उन्होंने जिंदगी उच्चा चुकन के लिए उन्होंने राह दिखाने लिए जो इन्होंने मेरा चुकया काफ़ी समय तो अज मैं लगता भी उन्हें सपना 70-80% के रूप में पूरा होता जा रहा, क्योंकि जनकर जी ने मैं देखा अपने सेवल होने के बावजूद भी ये संस्था ने जो किया तो तुम लोग इतनी संस्था के आकर देखो बुराइया की तो एक मन महसूस हो गया कि जो सेवल बच्चे किस तरीके उन्होंने देखभाल की जाती है और किस तरीके जीवन के अगे वे सिखाया जाता है। ये बहुत बड़ी गल है, ये जिहड़ा डिसेबल दी कोई श्राप नहीं, कोई होर गल नहीं, ये कुदरत दी दित्ती हुई एक चीज़ है जिसनों सिर मत्थे एक्सेप्ट करना चाहिए और सानू समाज में इन्हां लोकां दी अगे होकर सेवा करनी चाहिए है। बथेरे लोग इन्हां सेवा करते हैं परंतु कई लोग अजे होंगे ने जिन्हां कोल सब कुछ होगा भी परंतु सेवा के नाते कुछ नहीं। हर इंसान ने इस दुनिया जो आया हर इंसान खाता पीता चले जाता अपना परिवार हर बंदा लाल पालता है परंतु उ लोग हमेशा कामयाब होते हैं जोड़े लोग समाज की सेवा करते हैं जिमें जवान अपने जागर साहब ने सेवा की है। सो अभी संस्था के पुराने जुड़े होने लाते हमेशा जिन्ना भी योगदान होंगे दे रहे हैं और अगर जो भी सू
ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣਗੇ ਜਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਭਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰੀਜਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਫਤਿਹਪੁਰ ਆਈਆਂ ਵਿਖੇ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ DSSO ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਵਾਣਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਫ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।